छोटे प्रोजेक्ट्स में 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ रोटरी एक बहुत ही अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लोग बहुत सेल्फलेसली हेल्प करते हैं. और मैंने देखा है, मैं हरजीत जी को भी जानती हूँ कुछ सालों से, और मैंने देखा है कैसे रोटरी ऑर्गेनाइजेशन के से मिल करके ये सेल्फलेसली सोसाइटी को गिव बैक करते हैं. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी चैरिटीज़ हैं, पर रोटरी में कुछ अलग है सबसे. और जो उनमें अलग है वो है कि रोटरी के जो मेम्बर्स हैं वो जब जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्मल चैरिटी जब कुछ करती है और हम उस चैरिटी के लिए अगर समझो 1 करोड़ भी जमा करते हैं, तो वो चैरिटी रनिंग के एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि जो लास्ट पर्सन होता है जिसको जो पैसे पहुँचते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं. मतलब 40-50 लाख लग जाते हैं उनके पूरे रनिंग, उनके ऑफिस एक्सपेंडिचर्स और सब में. लेकिन रोटरी के ऐसे जितने भी मेम्बर्स हैं वो सेल्फलेसली हेल्प करते हैं, वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी रोटरी में नहीं डालते हैं. सो मतलब अगर रोटरी 1 करोड़ जमा करता है तो पूरा 1 करोड़ जाता है टूवर्ड्स एक्चुअली द कॉज, जो मैंने बस रोटरी में देखा है अभी तक. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. मैंने इन सबके साथ मिलकर के पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज के लिए एक ड्राइव की थी, जहाँ हमने बहुत सारे हार्ट सर्जरीज के लिए साथ में मिलकर के हाथ जोड़ करके पैसे रेज किए थे. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मेनी मेनी मोर प्रोजेक्ट्स विद देम.